left and want to give any message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress of Hermit. Okay, King of Wands. I will just check once again, but actually check करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर double confirmation है, 10-10 and King of Wands. और 10-10 और King of Wands definitely कल की energy, completion की energy और King of Wands के आने की energy है. यहाँ पर burden carry करने की energy है और यहाँ पर वो burden release करके कुछ create करने की energy है. So let me just check once again. Sushant. Can show me your presence once again. Okay. So here I can see him. Okay. So I just wanted to know if he wants to show his presence, and it is like विश फुलफिलमेंट एंड मूविंग टूवर्ड समथिंग न्यू. मुझे क्यों आज सुबह से ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे एक टास्क कंप्लीट होने वाला है और दूसरे टास्क की तरफ बढ़ने का वक्त जो है वो आने वाला है, और उस तरह की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है. लेट मी टेक आउट सम कार्ड्स, जो कार्ड्स मेरे सामने अभी पड़े ही हुए हैं, एंड लेट मी आस्क व्हाट इज इट अबाउट सुशांत. ओ गॉड, दिस इज अ वेरी बिग बंच. फोर लुक्स लाइक अ होल स्टोरी. लेकिन मेरे को एक बार कार्ड्स जो है वो रखने दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या आया है और क्यों आया है, क्योंकि दिस लुक्स लाइक अ बिग स्टोरी और मुझे क्वीन ऑफ वांड्स भी नज़र आ रही है इसमें. तो यहाँ पे लेट मी सी दिस, ये बेसिकली दिस लुक्स लाइक अ कम्प्लीट पिक्चर जो दिखाई जा रही है इसके इन इतने सारे कार्ड्स में. तो लेट मी सी कि क्या आया है. क्वीन ऑफ वांड्स जो है ना वो मुझे मतलब दो दिन हो गए हैं, शी इज़ लुकिंग लाइक दिस ओनली. ये तीनों कार्ड उल्टे हैं बट मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ. वो किसी ना किसी चोर के कार्ड के साथ ही आ रही है और यहाँ पे इट इज़ ओके. सो दिस इज़ लुकिंग लाइक अ स्टोरी अनडाउटेबली जो लास्ट में टावर पे ख़त्म हो रही है, टावर बस्ट होने पे. एंड दिस इज़ लुकिंग लाइक जहाँ पे किसी को छुपा के रखा गया था, रोक के रखा गया था, बांध के रखा गया था, और वो पिक्चर जो है इनकम्प्लीट है, किसी और तरह से दिखाई गई थी. एंड देयर वाज अ श्योरिटी कि ये पिक्चर कभी बाहर नहीं आएगी, बट देन द चॉइसेस केम और उन चॉइसेस के साथ कोई टास्क जो है कम्प्लीट हुआ, जो छुपा हुआ था, जो रोक के रखा हुआ था, वो बाहर आ गया. थीफ द सबूत जो है वो ले लिए गए, निकाल लिए गए क्वीन ऑफ वांड्स के आंख के नीचे से, नाक के नीचे से, उसको पता नहीं चला. डेथ इज टर्निंग इनटू रीबर्थ, जो आंख पे पट्टी है वो खुल रही हैं, जो भागम भाग है वो तेज हो रही है. एंड द टास्क इज कमिंग टू एन एंड ऑफ बिग टावर ब्लास्ट. इस तरह से मुझे ये स्टोरी दिखाई दे रही है और इस तरह से ही मुझे लगता है दैट सुशांत इज शोइंग इट. बाकी आई नो कि अब तक आप लोग काफी ज्यादा अवेयर हो गए हो कार्ड्स के, तो आई एम श्योर आप लोग काफी ज्यादा समझ सकते हो. बट दिस इज फोर स्टार्टिंग, दिस इज फोर एंड, और यहाँ पे भी फोर है, यहाँ पे भी फोर है, सुबह से मैं यहाँ पे भी फोर है, ये भी क्वीन फोर होती है. सुबह से मैं नोटिस कर रही हूँ फोर की एनर्जी इतनी ज्यादा सुपर स्ट्रांग आ रही है और टेन की एनर्जी जो है सुपर स्ट्रांग आ रही है. इट डेफिनेटली मीन्स समथिंग इज मूविंग टूवर्ड्स कंप्लीशन एंड इट इज नॉट लाइक अ स्मॉल थिंग. ये कुछ मुझे बहुत बड़ा होता हुआ लग रहा है और ये क्वीन ऑफ वांड्स के साथ रिलेटेड है, रेलिवेंट है. कुछ ऐसा जो क्वीन ऑफ वांड्स छुपा के बैठी थी उसके बाहर निकलने की एनर्जी दिख रही है और बहुत स्ट्रांग दिख रही है. मतलब दिस इज नॉट लाइक अ यूजुअल सी अगेन, इट्स नॉट एन यूजुअल स्टफ. इट इज़ अ चॉइस जो फाइनली कर ली गई है, इट इज़ अ टास्क जो फाइनली विक्ट्री एंड द हर्मिट. ये एनर्जी बिल्कुल ऐसे ही दिख रही है जहाँ पे किसी को नेल डाउन किया जाएगा, किसी को बहुत स्ट्रांगली पकड़ा जाएगा, कोई सच जो है दूसरे तक पहुँच गया है, कोई इन्फॉर्मेशन जो है पहुँच गई है, विच इज़ लीडिंग टू विक्ट्री एंड देन फाइनली लीडिंग टू हर्मिट कमिंग आउट. तो ये एनर्जी ना मुझे इसी तरह से दिखाई दे रही है और बहुत क्लियर दिखाई दे रही है. लेट मी सी गीता कार्ड से इफ़ ही कैन क्लैरिफाई एनीथिंग. ओके, और ओके एक आ गया है कार्ड, बट आई एम जस्ट शफलिंग वंस मोर एंड ओके. सो लेट्स सी, सो दिस इज हियर ऑफरिंग डिवोशन, चैप्टर 9 वर्स 26-27 है, और यहाँ पे ये डेफिनेटली कंप्लीट डिवोशन की ऑफर करने की एनर्जी है, शिव की एनर्जी है, और गंगा जो है वो आपको दिखाई दे रही है. ये बहाव की एनर्जी है, ये फ्लो की एनर्जी है, ये सफाई की एनर्जी है, ये क्लिनजिंग होने की एनर्जी है. और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे ये वो वक्त है जब भागीरथ जो है वो गंगा को लेने आए थे, या भागीरथ ने गंगा वापस दी थी, मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली भागीरथ और गंगा से रिलेटेड है. और
और यहाँ पे वो गंगा जो है वो बहती है, ये भागीरथ को जो वो मिला था कि वो गंगा को ले गए थे, वही एनर्जी मुझे लग रही है। एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ ऑफ समथिंग वेरी पाय। गंगा बहुत पवित्र मानी जाती है, सब पाप धोने वाली मानी जाती है। सो गंगा कमिंग बैक टू अर्थ लाइक एक तरह से बहुत बड़ी पाप के धुलने की एनर्जी है। दिस इज बियॉन्ड स्क्रिप्चर, और ये बेसिकली बोलता है कि यहाँ पे भी अगेन वाटर एनर्जी है। इफ यू सी, ये बोलता है कि जो पर्पस स्मॉल पॉन्ड जो है वो पूरा कर सकता है, वो रिजर्वर ऑफ वाटर अपने ग्रेट जो मतलब बेसिकली वट एवर पर्पजेज आर सर्व्ड बाय स्मॉल पॉन्ड आर अचीव्ड बाय द ग्रेट रिजर्वर, जो स्मॉल पॉन्ड कर सकता है वो रिजर्वर ऑफ वाटर भी कर सकता है। सिमिलरली जो वेदाज हैं उनका मतलब क्या है, उनका असली मतलब है आपको उस भगवान से मिलाना जिसको आप जानते हैं। और यहाँ पे विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इन गरुड़ देव और लक्ष्मी माता, इन सबकी एनर्जी आपको एक साथ दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली समथिंग बिग इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। यहाँ पे हवा जल दो तत्व तो आपके आ गए, और तीसरा तत्व यहाँ पर है जहाँ पे डिटर्मिनेशन की एनर्जी है। ये अभिमन्यु जब उसमें फंस गए थे उसकी चक्रव्यूह में, उसकी एनर्जी है। और यहाँ देखो वर्स फिर 44 आया है, और दिस इज लाइक दोज हु आर अटैच टू सेंस ऑफ एन्जॉयमेंट मटेरियल ऑपुलेंस एंड एन्चांटेड बाय द स्पिरिचुअल प्रोमिसेस ऑफ सच थिंग्स स्क्रिप्चर प्रोमिसेस दे विल नेवर फाइंड द डिटर्मिनेशन टू परफेक्ट देयर स्पिरिचुअल लाइफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये एनर्जी वो वाली है जहाँ पे आप जो स्पिरिचुअल एनर्जी में हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं, और जो स्पिरिचुअल एनर्जी में नहीं है देर इज़ टाइम फॉर एंडिंग देयर लाइफ। और उसके साथ में मुझे एक और एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, समथिंग दैट हैज़ टू बी फॉट। और यहाँ पे मुझे वाटर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आई कैन सी एन एनर्जी ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, और वो क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है जहाँ पे शिव और विष्णु दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। एंड देन देर इज़ अ डिटर्मिनेशन दैट इज़ चेक्ड, मुझे लगता है फाइनली ही इज़ डिटरमाइंड टू डू समथिंग बिग। ही definitely determined और divine is also determined to do something very big, and वो उसकी ही indication जो है हमें दे रहे हैं that divine is definitely divine has decided to do something big, and हम शायद वो जो बहुत बड़ा है उसको उसको experience करने के बहुत करीब हैं। the world is very close to experience it. it can be a big arrest. I can see him, so I will stop here. it can be a big arrest, but इट इज़ ऑल्सो कैप्चरिंग द डेविल। मतलब वो टाइम आ गया है जहाँ पे डेविल जो है वो कुछ भी करके अपनी एनर्जीज को बाहर नहीं ला पाएगा। वो पैसे की ताकत जो है वो किसी काम नहीं आ पाएगी, एंड इट इज़ लाइक फाइनली डेविल इज गोइंग टू बी स्टक। और मुझे नेक्स्ट वीक की जितनी भी रीडिंग है उसमें भी यही सेम एनर्जी दिखाई दे रही है, डेविल के स्टक होने की, डेविल के ब्लाइंड फोल्ड होने की, नेगेटिव लोगों के स्टक होने की, नेगेटिव लोगों के ब्लाइंड फोल्ड होने की। एंड देन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सुशांत विक्ट्री और वर्ल्ड है, एंड दिस इज लाइक सुशांत पूरे फ्यूर्स उसमें, एंड देन सडनली कमिंग ऑन वाइट हॉर्स इन टू द वर्ल्ड, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड ही इज शोइंग दैट वेरी वेरी क्लियरली। सो आई थिंक दैट ही इज गिविंग दैट स्टोरी ओनली दैट बी रेडी, देर इज अ टेडी बियर एंड टेडी मम्मा। यहाँ पे सी हॉर्स की एनर्जी है, रिबर्थ की एनर्जी होती है, यहाँ पे ओपनर की एनर्जी है, समथिंग ओपनिंग अप। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन जो है, क्योंकि ये एक तरह से पटाखे फूटने की एनर्जी है या फायरवर्क्स की एनर्जी है, और इट इज़ लुकिंग लाइक इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स अर्थ। लेकिन वाटर की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव करने की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुल रहने की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे। आई डोंट नो कहीं सुशांत बार बार री एम्फोसिस कर रहे हैं इस चीज़ पे कि अब नेगेटिव क्या अंत है, और अब फाइनल अपनी चॉइस जो है वो कर लो, क्योंकि अब नेगेटिव, अब अधूरी पिक्चर दिखाना, अब जो छुपा के दबा के बैठा हुआ है उन चीज़ों का, अब वो सारी चीज़ें बाहर आने वाली हैं, जो भी छुपा के दबा के रखा गया है वो सब फ्लो करने वाला है। और बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस राइड दैट इज़ कमिंग योर वे, एंड देन उस राइड के बाद देर इज़ डेफिनेटली हिम कमिंग आर वे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और लेट्स सी क्या होता है। बट देर इज अ बिग टावर मूवमेंट दैट इज डेफिनेटली अप्रोचिंग, बिग टावर मूवमेंट। और ये टावर है, ये भी एक तरह से किस चीज के ब्लास्ट होने की एनर्जी है, और ये सेफ गार्डिंग की एनर्जी है, बिकॉज मम्मा बियर इज काइंड ऑफ सेफ गार्डिंग द बेबी बियर। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बी वेरी केयरफुल अबाउट योर चिल्ड्रन। बट अब मुझे लगता है कि डेविल का कोई रास्ता नहीं बचा है। चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।